हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस जो नेटबीन्स के कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लॉन्ग वाले करीब 8 मार्क्स के आते हैं, उस सीरीज़ का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर गिवन है कि डिज़ाइन द फॉलोइंग एप्लीकेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसके अंदर देखिए, राइट द कोड, ए पार्ट पर दिया है हमें क्लियर बटन का कोड, लेकिन में क्लियर ऑल टेक्स्ट रीड करनी है और चेक बॉक्सेस को भी क्लियर करना है और डिफॉल्ट चॉइस सेट करनी है रिड्यू बटन के फिक्स डिपॉजिट पे। फॉर्म्स को देख लेते हैं। फॉर्म देखिए, ICICI बैंक ने दे रखा है, ये लेवल से आ जाता है। इसमें यहाँ प्रिंसिपल और टाइम यूजर डालेगा, रेट हमें खुद कैलकुलेट करना है। सीनियर सिटीजन वाला चेक बॉक्स है, ये फिक्स बॉक्स, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दो तरह के अकाउंट टाइप हैं, इसके लिए रेडियो बटन बनाए गए हैं। कैलकुलेट बटन से हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट और अमाउंट। क्लियर का कोडिंग फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पार्ट में क्लियर का कोडिंग ही करना है, और जो हमारा कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कोडिंग के अंदर क्या करना है। देखिए, इसके नीचे में क्वेश्चन में भी गिवन है कि इस रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 साल तक के लिए बंदा करा रहा है, तो 8% है। ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन, मतलब 2 से लेके 5 के बीच में है या 5 तक है, तो 9%, और 5 से ऊपर है 10%, और रेकरिंग डिपॉजिट वाले केस में 9%, 10% एंड 12% है। ठीक है, एडिशनल देखो, उन्होंने चेकबॉक्स से गिन यहाँ पे दे रखा है सीनियर सिटीजन वाला। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि एन एडिशनल रेट ऑफ 2% इज गिवन टू द सीनियर सिटीजन इफ द सीनियर सिटीजन चेकबॉक्स इज चेक्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये फॉर्म बना हुआ है, देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें देखिए, कोडिंग के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले क्लियर बटन की कोडिंग हमें करनी है। फर्स्ट में ये बोला गया है क्लियर बटन वाली कोडिंग करनी है, तो क्लियर बटन वाली कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इन सब टेक्स्ट फील्ड 1, 2 और 3, इन सबको पहले तो हमने ब्लैंक फीड करवा दिया। ठीक है, क्लियर वाले में दोबारा रीसेट कर देते हैं और रेडियो बटन 1.selected 2 कर देंगे, चेकबॉक्स को भी फॉल्स कर देंगे। रेडियो बटन 1 यानी कि फिक्स डिपॉजिट वाला बोला है इन्होंने कि फिक्स डिपॉजिट वाला हमें सेट करवा रहा है, तो रेडियो बटन 1 कहलाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट में हमें दिया गया है कि इसके लिए कोडिंग लिखनी है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो इसके लिए देखते हैं कोडिंग कैसे करेंगे। पहले हमने एक इंट पी ले लिया, इंटीजर, जो कि आपका फर्स्ट टैक्स फील्ड मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट को लेके आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ले आएगा, पॉइंट में तो प्रिंसिपल अमाउंट को कराएगा नहीं, पूरा ही करवाएगा, तो हम डबल भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटीजर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर टाइम लिया, टाइम भी हमने इंटीजर में ही ले लिया, इसके टैक्स फील्ड 2, टैक्स फील्ड 2 होगी ये वाली हमारी टाइम वाली टैक्स फील्ड 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू टी में आ गई, रेट को हमने स्टार्टिंग में 0 रख लिया। अब रेडियो बटन 1.selected है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट वाला, फिक्स डिपॉजिट वाला अगर पर्सन ने सिलेक्ट किया है तो हम क्या करेंगे, इफ टाइम, वही सब टेबल में क्वेश्चन में गिवन है कि फिक्स डिपॉजिट है तो अगर वो लेस देन और इक्वल टू 2 तक है तो 8% देना है। तो पहले यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसमें कि अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर एलसीएफ लगाएंगे, एलसीएफ में अगर वो 2 से लेके 5 के बीच में है या 5 है, यही हमने इक्वल टू भी लगा दिया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसमें इस केस में रेट हो जाएगा 9, एल्स केस में 10 है, एल्स लास्ट वाला केस हो जाएगा हमारा कि ग्रेटर देन 5 है, कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 5 में, वो तो 10% ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बार हमें इन्होंने और बोला है कि अगर रेडियो बटन 1 के अलावा अगर रेडियो बटन 2 सिलेक्टेड है, 2 मतलब कि रेकरिंग डिपॉजिट वाला, देखिए इफ वाले, इस वाले इफ की एल्स यहाँ पे है, इसके अंदर जो बिटवीन ये बना हुआ है, ये सारा इफ एल्स अलग से है, ये सारा इफ एल्स इसका सब पार्ट है, इसकी बॉडी के अंदर, देखिए इसकी, इस वाले इफ की बॉडी यहाँ शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है। अब इसका एल्स पार्ट यहाँ शुरू हुआ है, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में 9, 10 और 12% के अकॉर्डिंग है, कोडिंग लगभग सेम रहेगी। देखो इसमें क्या करेंगे, इफ लेस देन इक्वल टू है तो 9% हो जाएगा, बाकी देखो सेम कोडिंग वही चलती आ रही है, 2 से लेके 7 तक है, क्वेश्चन में गिवन है 7। ठीक है, तो वो 10% हो जाएगा, एल्स केस में 12% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक हमें क्वेश्चन का पॉइंट और बोला गया है कि अगर मान लो उस पर्सन ने एडिशनल रेट दिया जाएगा 2% इफ गिवन इज सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन वाला चेकबुक अगर उसे चेक कर रखा है ये इस फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, तो फिर हमें उसको 2% एक्स्ट्रा देना है, 2% एक्स्ट्रा देंगे तो वो क्या करेंगे, देखो हमने जो पुरानी रेट आई थी उसमें हमें 2% ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम अमाउंट नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही है, 1+R/100 और उसकी पावर हो जाती है टी। इसके लिए मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करेंगे जो इसमें प्री डिफाइंड होता है जावा के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके 1+R/100, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी मतलब कितना टाइम है, तो यही फार्मूला होता है ईयर से ऊपर
पावर लग जाती है, ठीक है। तो ये हमें पावर में कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सी आई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो अमाउंट आ जाएगा। तो बस बाकी सिम वही फीड करवाना है हमें, इंटरेस्ट वाले में सी आई को फीड करवा देंगे और अमाउंट वाले में अमाउंट को फीड करवा देंगे। ये देखिए क्वेश्चन में है ना दोनों चीजें, यहाँ पे इंटरेस्ट वाले में ये हो गया और अमाउंट वाले में ये हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक इफ कंडीशन के अंदर फर्दर इफ यूज हो रही है, बस इसमें ये थोड़ा सा पॉइंट एक नया आ रहा है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है जो हम पहले भी कर चुके हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हल्का फुल्का चेंज होता है, ओवरऑल कंसेप्ट वही होता है। बाकी सीरीज के हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए इसको, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्द से जल्द, और कमेंट्स कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको पूछना है कोई चीज, तो आप जरूर क्वेरी कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।